यस अभी आप ही के कमेंट यहाँ पे मैंने देखे हैं, 10th pass 12th pass 10th pass 12th pass, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ क्योंकि आप ही के कमेंट के अकॉर्डिंग फाइनली मैं जॉब लेके आ चुका हूं। मतलब अगर आप 10th पास हैं अप्लाई कर सकते हैं, आप 12th पास हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन ऑल ओवर इंडिया। मतलब अगर अपना करियर बिल्ड करना चाहते हो या एक जॉब लेना चाहते हो, सरकारी बाबू बनना चाहते हैं, तो ये जॉब और ये पर्टिकुलर वीडियो आप ही के लिए। तो यार वीडियो में मैं जितना एक्साइटेड हूं आप भी इतने एक्साइटेड हो जाइए। पहले तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, मैं आपको एक सेकेंड का टाइम दे रहा हूं, उसके बाद ही कंटेंट स्टार्ट करूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आई होप सो आप लाइक कर चुके होंगे। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। ये जो जॉब की अपडेट है वो निकली है ICG इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। 10th पास 12th पास और डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से कैंडिडेट, अप्लाई कैसे करना है, क्या क्वालिफिकेशन है, सैलरी कितनी मिलेगी, वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू PSUN गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी रिजल्ट। मैं सचिन चौहान आपके लिए लेके आ चुका हूं 10th पास 12th पास ICG रिक्रूटमेंट 2022 की अपडेट। आप मेरी आवाज से ही समझ सकते हैं मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड हूं। ये एक्साइटमेंट आपके अंदर भी चाहिए। जल्दी से जल्दी आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। आपका जो अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर है, जब तक जॉब नहीं मिलती, जो भी एग्जाम पैटर्न है या किस तरीके से प्रोसीजर होने वाला है एक्जैक्टली एक एक चीज बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सैलरी क्या होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड चीज यही होती है, भाई पैसे कितने कमाएंगे। तो सैलरी होने वाली आपकी 40,000 रुपये प्रति महीना, मतलब पर मंथ 40,000 रुपये। बात करें आपके एज की, यस देखो यहाँ पे एज की बात करना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि कोई भी सरकारी जॉब के लिए एज यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और जो रियलिटी है मैं वही बताता हूँ, आप सभी को पता ही है। तो 18 से 22 आपकी एज होनी चाहिए। अगर इसके बीच में आप हैं तो आपके लिए वीडियो परफेक्ट होने वाली है। अगर आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है, डोंट वरी, आपके लिए भी जॉब लेके आऊँगा। पर वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी एज ही बता के जाइएगा, जिससे बाद में ये एक रफली आइडिया मिल जाए कि ओके यार इतनी एज वाले लोग आ रहे हैं, तो अब जो भी गवर्नमेंट जॉब लेके आऊँ उस एज के क्राइटेरिया में वो लोग भी आए। अब बात करते हैं हम लोकेशन की, ऑल ओवर इंडिया, इंडिया के किसी भी स्टेट से, किसी भी विलेज से आप बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो आपको जस्ट 250 रुपये पे करने हैं अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको कुछ भी पे यहाँ नहीं करना है। और लास्ट डेट इसकी होने वाली है 14 जनवरी 2022। तो जल्दी से जल्दी आपको अप्लाई करना है। अप्लाई लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अब अप्लाई कर रहे हो तो यार प्रोफाइल कौन सी है, एग्जैक्टली काम क्या होगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे तीन पर्टिकुलर प्रोफाइल पे जॉब निकली है, जिसके अंदर आपकी जो पहली प्रोफाइल है वो नाविक आती है जनरल ड्यूटी वालों की। यस, नाविक जनरल ड्यूटी, जहाँ पे 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पे आपकी नाविक है, पर ये इस बार जनरल ड्यूटी नहीं है, इस बार ये है आपकी डोमेस्टिक ब्रांच। और डोमेस्टिक ब्रांच में क्या है, अगर आप 10th पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप समझे, दोनों की प्रोफाइल तो नाविक है, एक जनरल ड्यूटी है और आपकी एक डोमेस्टिक ब्रांच है। तो उसके अकॉर्डिंग ही, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको फिल करना है। एप्लीकेशन प्रोसीजर आपका बहुत ईजी होने वाला है। अगर डिफिकल्टी है या आपको लगता है यार मुझे ही वीडियो के अंदर वो चीज़ें बतानी चाहिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके लिए वो भी करूँगा, पर वीडियो में लाइक करके जरूर जाना इस बार। तो यहाँ पे ये आपकी दो प्रोफाइल हो गए। और बात करें तीसरी प्रोफाइल की, तो यहाँ पे अगर आप डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं तो आप यात्रिक प्रोफाइल पे अप्लाई कर सकते हैं। आपने इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, रेडियो, टेलीकम्युनिकेशन, इन सबसे अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट करा है, जो जो उनसी वो क्वालिफिकेशन है देख रहे हो आप स्क्रीन पर, सारी आपको रिप्रेजेंट हो रही है, तो अगर ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं तीन पर्टिकुलर प्रोफाइल पे। और यहाँ पे अगर आपको डिप्लोमा में थोड़ा सा डाउट है तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये भी, अगर आपने 12th पास करी है और डिप्लोमा करा है, किसी भी चीज़ का डिप्लोमा करा है, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। फिर वहां पे क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंस नहीं करती, क्योंकि आप हायर एजुकेशन पे जा चुके हैं। तो मुझे लगता है ये चीज सोने पे सुहागा है अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैच नहीं करती। तो ये थी आपके क्वालिफिकेशन वाला पार्ट। अब आगे डिस्कशन करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरीके से होने वाला है। देखो, क्वालिफिकेशन होने से, इंफॉर्मेशन मिलने से जॉब नहीं मिलती, जॉब मिलती है जो सिलेक्शन का पूरा प्रोसीजर उसे कंप्लीट करने पे। तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका बहुत सिंपल होने वाला है, ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी और जल्दी से जल्दी आपको जॉब मिल जाएगी, पर आपको एग्जाम क्लियर जरूर करना पड़ेगा। अब एग्जाम है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम आपको देते हैं। तो जो आपका एग्जाम होगा वो होगा CBT, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहेगा, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। अब जो ये एग्जाम है वो आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग होगा। मतलब अगर आप यहाँ पे नेविक GD जो मैंने आपको बताया वहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका जो सिलेबस रहेगा या जो उसका एग्जाम रहेगा उसका लेवल उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर आप यहाँ पे डोमेस्टिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं 10th पास वाले, तो उनका जो एग्जाम होगा, उनका जो सिलेबस होगा 10th पास के अकॉर्डिंग ही होगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना पड़ेगा, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उस पर फोकस आपको करना पड़ेगा। हाँ, अपनी इंग्लिश,
अपनी रीजनिंग, अपनी न्यूमेरिकल एबिलिटी और अपनी जीएस वगैरह स्ट्रॉन्ग कर लेना। इंग्लिश को इतना मेजरली फोकस पे मत लेना, पर आपकी जीएस और आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी और आपकी रीजनिंग, ये तीनों स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये चीज़ें आपसे पुटअप करी जाएंगी। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा एग्जाम का लेवल क्या होने वाला है, तो आपका वो रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो ये हो गया आपका सीबीटी के बारे में। अब सीबीटी में क्या होगा, आपके यहाँ पे एक कट ऑफ आएगी, उस कट ऑफ को जो जो पर्सन क्लियर कर देता है उसके बाद होगा आपका फिजिकल राउंड। यस, यहाँ पे फिजिकल राउंड मैंडेटरी है, तो अपनी रनिंग वगैरह, लॉन्ग जंप वगैरह स्टार्ट कर लो, अपनी फिजिकल फिटनेस पे आपको ध्यान देना है। फिजिकल टेस्ट में क्या रहेगा, सबसे पहले आपकी रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर की, जो कि आपको कंप्लीट करनी होगी विद इन 7 मिनट के अंदर। मुझे लगता है अगर आप प्रैक्टिस करोगे इजीली यहां पे हो जाएगी। देन आपके पुशअप और सिटअप होंगे, जो कि आपके 10 पुशअप हैं और 20 स्क्वाट्स हैं। तो मतलब आपकी फिजिकल एक्टिविटी रहेगी, जो कि बहुत ईजी होता है, मतलब मेजरली फैक्टर आपका रनिंग पे आने वाला है। तो यहां पे जैसे आपकी फिजिकल एजुकेशन कंप्लीट होती है, आप इसको कंप्लीट कर लेते हो, देन आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, जिसके अंदर आपके 10th के, अगर आपने 10th के बेस पे करा है, 12th के, अगर आपने 12th के बेस पे करा, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग यहां पे हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसीजर होने वाला है आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड का, जहां पे 10th पास 12th पास अप्लाई कर सकते थे। इसी तरीके की औसम औसम जॉब अपडेट आपको हमारे ही चैनल पे मिलेगी। वो किसी भी क्वालिफिकेशन से बिलोंग करते हो, इंडिया में कहीं पे भी जॉब चाहते हो, यू नीड अ जॉब, हमारे पास आ जाइए। इतनी इंफॉर्मेशन आपको देंगे कि आपके अकॉर्डिंग आपको जॉब मिल जाएगी। डेली आपके लिए एक जॉब की अपडेट लेके आते हैं, तो आपसे बस एक लाइक की एक्सपेक्टेशन है। वीडियो को लाइक जरूर करिए और वीडियो को ना उन पर्सन के साथ जरूर शेयर करिए जिसको नीड है एक जॉब की, वो आपका फ्रेंड हो, फैमिली मेंबर हो, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं सचिन चौहान आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद।